एक प्रीमियर बस एग्रीगेटर स्कीम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 8 साल के बाद ऐसा लगता है कि अब ये स्कीम आ जाएगी। पहले मैं ये बता देता हूँ ये स्कीम क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में जब मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर, अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफर करना चालू किया। धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए। अब जो लोग बसों में ट्रेवल करते हैं, अब दिल्ली में बसों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बसों में कोई बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती जो हम लोगों ने अभी सर्वे कराया, लेकिन फिर भी एक लोगों के दिमाग में वो है कि बसों में आप देखेंगे अक्सर केवल लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग, इकोनॉमिक क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के इनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, जिसके तहत प्रीमियम बसेस, लग्जरी बसेस, उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे, ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी। ये लग्जरी बसेस सभी एयर कंडीशनड होंगी, कम से कम 9 सीट से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 9 सीट कम से कम छोटी बस में 9 सीट होंगी, बाकी में बड़ी में और ज्यादा होंगी। इन बसों में वाईफाई होगा, जीपीएस होगा, सीसीटीवी होगा, स्टैंडिंग अलाउड नहीं होगी, हर एक को सीट मिलेगी और सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप अपनी सीट ऐप होगा हर एक उसका, और आप उनके ऐप पे जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, जो सीट चाहें, जैसे हम एयरलाइंस में बुकिंग करते हैं वो सीट बुक कर सकते हैं। पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और वहां पे बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं कि बस रुक रुक के जाएगी, और आपको केवल डिजिटल पेमेंट्स होंगी और जहां से आप कहेंगे वहीं से आपको बस पिकअप करेगी। इससे हमें उम्मीद है, बिकॉज काफी अच्छी अंदर आरामदेह बस होगी, कंफर्ट होगा, डिफाइंड टाइम होगा चलने का, पहुंचने का, तो हमें उम्मीद है कि बहुत लोग इन अपनी गाड़ियां छोड़ के इन बसेस में आएंगे और इससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसमें जो बसेस होंगी वो अगर सीएनजी बसेस हैं तो वो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए जो बसेस अलाउड होंगी, और जो नई बसेस 1 जनवरी 2025 के बाद, 1 साल 1.5 साल के बाद जो नई बसेस इसमें इंट्रोड्यूस हो सकती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। जैसा मैंने कहा कि जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे उनको कम से कम 25 बसेस की फ्लीट मेंटेन करनी होगी, और जो इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी उसका कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी, वो एनकरेज करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस आए। एक इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस बसेस का रूट हम डिसाइड नहीं करेंगे, इन बसेस का रूट मार्केट डिसाइड करेगी, जहां उनको लगता है कि ज्यादा उनको सवारी मिल सकती है वो बसेस उन एरियाज में ज्यादा चलेंगी, तो जाहिर तौर पर उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक ज्यादा है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उन एरियाज के अंदर ट्रैफिक कम होगा। उसे जो भी रूट वो डिसाइड करेगा बस ऑपरेटर, उसे हमें सिंपल डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है कि मैंने आज से एक नया रूट चालू कर लिया। इसका फेयर भी डायनेमिक होगा, वो जो मर्जी फेयर ले सकता है ऑपरेटर जो है, एक्सेप्ट एक ही कंडीशन है कि हमारा डीटीसी का और एसी बसेस का जो पीक फेयर है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये लग्जरी बसेस हैं तो उससे कम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होगी ये डीटीसी के साथ वो कम्पीट करने लग जाए। तो मोटे मोटे तौर पे ये पॉलिसी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कितनी मशक्कत की है इस पॉलिसी को लाने के लिए। 2016 में ये सिलसिला चालू हुआ और 2016 से 2021 के बीच में, मई 2016 में प्रीमियम बस स्कीम को लाने को दिल्ली सरकार ने अप्रूवल दे दी, लेकिन उस वक्त के जो एलजी साहब हैं, नजीब जग साहब, उन्होंने इस स्कीम को अप्रूव करने से मना कर दिया।
फिर जून 2016 में भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत की कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, जैसे कि वो सब स्कीम में अनाउंस करते हैं, और इसकी सारी जांच वांच हो गई। स्कीम आई नहीं थी अभी तक, स्कीम आई नहीं थी, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, और भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार, इसकी सारी जांच वांच हुई, इसमें कुछ नहीं निकला इनका, जैसे हमेशा नौटंकी करते हैं। 2017 से 2019 के बीच में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर ये स्कीम नहीं ला जा सकती। फॉर्चुनेटली अगस्त 2019 में भारत सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में अमेंडमेंट किए, और जो अमेंडमेंट्स किए उसके तहत अब बस एग्रीगेटर स्कीम आ सकती थी। 2020 और 21 में कोरोना हो गया। अब 2022 में हमने दोबारा से इस पूरी स्कीम को रीड्राफ्ट किया। 18 अगस्त 2022 को पब्लिक कमेंट्स के लिए इसको डाला गया। 8 सितंबर तक कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को और इसको लीगली वेट करके 8 मई को इसे दिल्ली सरकार की, मुख्यमंत्री की अप्रूवल मिली, और 25 मई को एलजी साहब की इसको अप्रूवल मिली। तो एलजी साहब से जब ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव होके आई तो इसको दोबारा पब्लिक के कमेंट्स के लिए डाला गया 29 मई को, और जो अब कमेंट्स आए हैं उन सारे कमेंट्स के साथ, और 27 जुलाई को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी किया, उससे जितने कमेंट्स आए, तो जो कमेंट्स आए हैं उसमें जो एलजी साहब ने अब अप्रूव की थी स्कीम, वो बहुत ही माइनर 2-4 छोटे मोटे चेंजेस हैं, ये आज मैं अप्रूव कर रहा हूँ इस स्कीम को, और आज इसको एलजी साहब के पास भेजा जा रहा है। तो जैसा कि एलजी साहब इसको ऑलरेडी 25 मई को अप्रूव कर चुके हैं, तो उसमें बहुत माइनर चेंजेस हैं, मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब इसको अब जल्दी अप्रूव कर देंगे, और अब दिल्ली पूरे देश का पहला शहर होगा जहां पे इस किस्म की बस एग्रीगेटेड, प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम आ रही है। और मेरा अपना मानना है इससे दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत सुविधा मिलेगी, ट्रैफिक भी कम होगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, वर्ल्ड लेवल का ट्रांसपोर्ट मिलेगा, और पोल्यूशन भी कम होगा। आज एक और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली अकेला शहर था पूरे देश में, अकेला राज्य था, जब कोविड के समय में हमने देखा कितनी तकलीफ हुई थी, लेकिन उस वक्त भी कई कोरोना वॉरियर्स थे जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के दिल्ली के लोगों की सेवा की थी। जो कोरोना वॉरियर्स शहीद हो गए, ऐसे लोगों को दिल्ली अकेला राज्य है जिसने 1-1 करोड़ रुपए की उनकी शहादत का सम्मान करते हुए उनके परिवार को, मैं, मेरे मंत्रीगण, उनके घर जा जाके हम उनको 1-1 करोड़ रुपए का चेक दे के आए थे।